सहारा इंडिया परिवार के आर्थिक मसलों पर एक नज़र, जिससे कि लोगों, निवेशकर्ता तब उद्योगियों को इस विशालतम परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति को समझने में आसानी होगी। जैसा कि सहारा श्री सुब्रत राय ने अपने एक संदेश में बताया था कि पिछले 5 वर्षों से सहारा इंडिया परिवार पर कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है। इस दौरान सहारा समूह अपनी कोई भी संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं कर सकता। सिर्फ इसी वजह से सहारा समूह ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घाटा उठाया है। सहारा समूह के 20,000 करोड़ से अधिक की राशि सहारा सेबी के खाते में निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जिसमें से सेबी ने 5 वर्षों में इस निवेशकों को केवल 91 करोड़ ही वापस किया है। कुछ दिनों में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सहारा समूह को सारा जमाधन वापस मिल जाएगा, जिसके बाद फिर से सहारा समूह अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है। सहारा समूह ने अपने सम्मानित निवेशकों का 95% पैसा लौटा दिया है। सहारा समूह को वर्ष 2012 में जो राशि 2016-2017 में पुनर्भुगतान करनी थी, वह 6-7 माह के भीतर ही करनी पड़ी, जिससे कि सहारा समूह की नकदी प्रवाह पर बहुत बुरा असर हुआ। अगर ऐसा किसी और समूह के साथ हुआ होता तो शायद आज उसका वजूद ही खत्म हो गया होता। लेकिन सहारा समूह की परिसंपत्तियां कुल देनदारी से 3 गुना ज़्यादा है, इसी वजह से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सहारा समूह 2019-2020 तक सारे अवरोधों को पार करते हुए फिर से एक बार महत्वपूर्ण और अग्रणी मुकाम हासिल करेगा।